प्यारे बच्चों, अब ये बस समझाऊंगा कि हवाई जहाज बनाने में कौन सा मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको बताना, अल्युमिनियम ड्यूरेलियम का बना होता हवाई जहाज, उस पे कुछ फिटिंग मैग्नीशियम टिटेन इत्यादि पदार्थों की होती है। अल्युमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट 200 डिग्री सेल्सियस होता है, जो तरल में हो जाता आग लगने पर। इसलिए हवाई जहाज की आग को फोम से बुझाया जाता है और उसमें लगने वाला टिटैनियम या मैग्नीशियम बहुत देर में गर्म होता है। गर्म होने पर उसका टेम्परेचर 2000 से 3000 डिग्री होता है, जो पानी मारने पर गर्म पानी मारने पर गर्म मेटल पर विस्फोट हो सकता है, क्योंकि इसका टेम्परेचर 2000 से 3000 डिग्री होता और पानी 1650 डिग्री में फट जाता है, जो हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस पैदा करता और वहां पे भयंकर विस्फोट हो सकता है। इसलिए आपको इस मेटल को फॉग ब्रांच डिफ्यूजर ब्रांच लगा करके ठंडा रखना चाहिए, गर्म होने न पाए। नेक्स्ट पॉइंट है कि बेली किसे कहते हैं। तो बेटा, हवाई जहाज का पेट को बेली कहते हैं। आप कहेंगे कि ये हवाई जहाज का जो नीचे का फ्यूजलॉज के नीचे का जो हिस्सा होता, उस हिस्से को बेली कहते हैं। बल्क हेड किसे कहते हैं। इसका जवाब आप देंगे कि फ्यूजलॉग में दो कंपाउंडों को अलग करने वाला छत, ऊपरी छत को ब्लैक हेड कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है कॉलिंग किसे कहते हैं। कॉलिंग बेटा, एक हवाई जहाज का इंजन को ढकना होता है, जिसको हवाई जहाज के इंजन में आग लगने पर उसको हटाया जाता है, उसी को कॉलिंग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है काउल फ्लैप्स किसे कहते हैं। ये बेटा काउल फ्लैप्स इंजन के पास होता है, जब इंजन में आग लगती है तो फायर फाइटर इसको हटा करके यहां से आग बुझाने में उनको मदद मिलती है, उसी जगह को कॉलिंग फ्लैश कहते हैं, क्रेडल फ्लैश कहते हैं। एलिवेटर किसे कहते हैं। जहाज के पीछे का भाग जहाज को ऊपर तथा नीचे करने के काम आता है, उसी को एलिवेटर कहते हैं। हवाई जहाज के पिछले हिस्से में लगा होता है, जो हवाई जहाज को ऊपर तथा नीचे करने के उड़ान के समय करने के काम आता, उसी को एलिवेटर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एम्पेनेज। तेल असेंबली होता है, जिसमें स्टेबलाइजर और एलिवेटर इत्यादि सामान रखा जाता है, उसी को हम एम्पेनेज कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट है बेटा फ्यूजलॉज किसे कहते हैं। हवाई जहाज का वो मुख्य भाग होता है, जिसमें विंग्स लगे रहते, टेल लगा रहता और सवारियों के बैठने की सीट लगी होती है, उसी जगह को फ्यूजलॉज कहते हैं। कॉकपिट किसे कहते हैं। आपको बताना कॉकपिट। फ्यूजलॉग में एक विशेष भाग होता है, जिस भाग में खुली तथा बंद जगह को हम कॉकपिट कहते हैं, जिसमें हवाई जहाज का पायलट बैठता है, उसी को कॉकपिट कहते हैं। लॉगी रेंच किसे कहते हैं। लॉगी लॉन्गी
रेंज किसे कहते हैं, ताप कहेंगे हवाई जहाज की जो फ्यूजिलॉज होता है उसकी लंबाई को लोंगी रेंज के नाम से जानते हैं। नेसली किसे कहते हैं, यह एक विशेष डब्बा होता है जो फ्यूजिलॉज में खुली जगह को ढकने के या बंद करने के काम आता है। नेक्स्ट है रुडार किसे कहते हैं, यह टेल असेंबली के ऊपर एक घूमने वाला भाग होता है जो हवाई जहाज की दिशा को दर्शाता है, उसी को रडार कहते हैं। सेफ्टी ग्लास किसे कहते हैं, सेफ्टी ग्लास अन्य गाड़ियों की तरह खिड़कियों के ग्लास होते हैं, लेकिन अन्य गाड़ियों के ग्लास पतले होते हैं, हवाई जहाज के खिड़कियों में लगने वाले ग्लास मोटे होते हैं, उन्हीं को सेफ्टी ग्लास के नाम से जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको हवाई जहाज के पार्ट्स बताया, कनोपी बताया है, और जो भी 11-12 पॉइंट है हवाई जहाज के पास, टेल बताया, विंग्स बताया, पंखों को विंग्स कहते हैं, पेट को बेली कहते हैं, कनोपी कहते हैं, जो क्या पैलेट के ऊपर का भाग होता है कनोपी कहते हैं, नीचे व्हील होते हैं व्हील कहते हैं उनको, इत्यादि जो भी है बेटा। अब आगे आपको बता रहा हूं,